समथिंग मस्ट बी हैपनिंग यू मस्ट बी वंडरिंग मतलब आप सोच रहे होंगे यू मस्ट बी वंडरिंग वाई एम हेयर आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्यों हूँ आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों किया यू मस्ट बी थिंकिंग वाई आई डिड दैट दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है नोटिस करो वाई आई एम है वाई एम आई नहीं वाई आई डिड है वाई डिड आई नहीं क्योंकि जब वाई या कोई भी दूसरा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में इस तरह आता है इट works एज a कनेक्टर एज अ कंजंक्शन तो उसके बाद आपको पहले सब्जेक्ट प्लेस करना है फिर verb place प्लेस करना है बट अगर ये सेंडेंस की शुरुआत में आता है तो पहले डिड आता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं अगर मुझे ऐसा बोलना होता मैंने ऐसा क्यों किया तो मैं इंग्लिश में कहता वाई डिड आई डू देट यानी वाई के बाद डिड आता लेकिन क्योंकि वाई सेंडेंस के बीच में आ रहा है तो अब पहले डिड नहीं आएगा वाई के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा यू मस्ट बी थिंकिंग आप सोच रहे होंगे मैं कहा हूँ यू मस्ट बी वन वेर आई एम यू मस्ट बी वेर आई एम मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहा so you must be thinking you must be wondering. उसने उसे बंदी बना लिया उन्होंने पूरे गाँव को बंदी बना लिया मुझे बंदी मत बनाओ तो किसी को बंदी बना लेना मतलब उसको कैद कर लेना उसको कहीं जाने ना देना उसको रोक कर रख लेना बंदी बना लेना इंग्लिश में कैसे कहेंगे ही हेल्ड हिम हॉस्टेज ही हेल्ड हिम हॉस्टेज तो किसी को बंदी बना लेना मतलब उसको हॉस्टेज बना लेना होता है और इसके साथ ज्यादातर हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं होल्ड होल्ड समवन हॉस्टेज मतलब किसी को बंदी बना लेना टू लॉक समवन इन अ प्लेस ही हेल्ड हिम हॉस्टेज यानी उसने उसको बंदी बना लिया उन्होंने पूरे गांव को बंदी बना लिया दे हेल्ड द एंटायर विलेज हॉस्टेज तो एक बात आपको ढंग से याद हो जाए समझ में आ जाए उसके लिए मैं उसी बात को घुमा फिरा के दो तीन तरीकों से आपको बताता हूँ और आपको बताता हूँ इंग्लिश में कैसे बोलना है तो आप समझेंगे कि, कि किसी वर्ड को किसी फ्रेज को किस तरह से यूज किया जाता है सही मायनों में आपको रटना नहीं है कुछ भी आपको समझना है कि कोई वर्ड कोई फ्रेज किस तरह यूज करना है वो बदतमीजी की सारी हदें पार कर चुका है वो घमंड की सारी हदें पार कर चुका है कहते हैं ना ऐसे कभी कभी वो घमंड की सारी हदें पार कर चुका है वो बेहया की सारी आ, आ, क्या थी हदें पार कर चुका है तो जब इस तरह कुछ कहना हो इंग्लिश में कहिए ही हैज सर ऑल बाउंड ऑफ इंसुलेंस इंसेलेंस का मतलब रूडनेस इम्पर्टनेंस बदतमीजी तो उसकी बाउंड्स, उसकी बाउंड्रीज उसके बाउंड्स, उसको उनको उसने सरपास कर दिया है मतलब वो उनसे आगे निकल गया है ही हैज सरपास्ट ऑल बाउंड्स ऑफ इंसिलेंस नाउ यू कैन से द नेक्सेंटेंस योर सेल्फ ट्राई दैट क्या आपने ऐसा कहा ही हैज सर ऑल बाउंड ऑफ एरगेंस इफ यू डेड योर राइट He has surpassed all bounds of arrogance. He has reached the pinnacle of arrogance. वो arrogance के pinnacle पे पहुँच चुका है. Pinnacle मतलब the highest point of something. किसी चीज़ की चोटी तक. वो घमंड की चोटी तक पहुँच चुका है. जहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है किसी इंसान में. वो उसी position पे पहुँच चुका है. He has reached the pinnacle of arrogance. So this is one more way to say the same thing. Of course there are many other ways to say this. वो हकलाता है जब nervous होता है. He tends to stutter when he's nervous. वो स्टटर करता है जब वो नर्वस होता है दूसरा एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखो tends टू डू something. मतलब ऐसा करने की उसकी फितरत है उसकी आदत है वो ऐसा करता है आमतौर पर Someone tends to टू डू दैट जैसे जून में गर्मी हो जाती है इट tends टू गेट हॉट इन जून तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि usually ऐसा हो जाता है आमतौर पे जून में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है It tends to get hot in June. Bahut dar hai, jab akela hota hai. He tends to get scared when he's alone. He tends to get scared when he is alone. Jab wo gusse mein hota hai, bahut hai. He tends to yell a lot when he is angry. So someone tends to do something. Matlab, it is his second nature to do it. He is used to doing it. He usually does that in certain circumstances. वो हकला कर क्यों बोलता है तो अगर हम इसे पूछेंगे तो कहेंगे वाई डज ही स्टारर वाई डज ही स्टारर अब ऐसे कहना है वो थोड़ा हकला कर बोलता है अब आप बताओ कैसे कहेंगे तो इसे कहेंगे ही स्टर अलिटर वो थोड़ा सा स्टर करता है स्टटर करता है चारों तरफ नाकाबंदी है मतलब सारे रास्ते बंद है कैन यू ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश कैन यू डू इट लेट मी टेल यू देर आर चेक पॉइंट एवरीवेयर हर जगह पे चेक पॉइंट्स हैं देर आर रोड ब्लॉक्स ऑन ऑल साइड सारे साइड्स पे रोड ब्लॉक्स हैं एवरी डायरेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड बाई बैरिकेड्स हर डायरेक्शन रिस्ट्रिक्ट की गई है बैरिकेड्स के द्वारा ज्यादा चौड़ा मत हो जब कोई इंसान को ज्यादा फेंक रहा होता है ज्यादा बन रहा होता है घमंड दिखा रहा होता है कि मैं ये हूं मैं वो हूं मैं बहुत बड़ी तोप हूं तो हम उसे कहते हैं ना ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है तो इंग्लिश में क्या कहेंगे यू आर नॉट अ बिग शॉट डोंट पुट ऑन एयर्स सो पुट ऑन एयर्स एक इडियम है जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं तो इसका मतलब है कि घमंड मत करो अपने आप को बहुत बहुत ऊंचा बड़ा मत समझो डोंट बी हॉटी डोंट बी हॉटी इतना घमंड मत दिखाओ ज्यादा चौड़े मत हो डोंट बी स्नोबिश स्नोबिश कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है दूसरों को छोटा मानता है सो डोंट बी बी यू शुडंट डोंट एक्ट सो फ्राइजी डोंट बी टू arrogant. डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ डोंट कंसिडर योर सेल्फ टू बी सुपीरियर टू अस डोंट कंसिडर योर सेल्फ टू बी big shot, राइट right? कुछ ऐसे कह सकते हैं सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है इसी तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में केयर एंड बाय